वहीं आतंकी हमले पर एसएसपी मोहिता शर्मा का नया बयान सामने आया है, आइए आपको सुनवाते हैं। एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टूवर्ड्स रियासी जा रही थी, तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। जेएनके पुलिस साथ में सिविल लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। 9 पीपल आर रिपोर्टेडली दे आर फियर डेड एंड 33 वर इंजर्ड। उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं, जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं, ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है, काफी हाइट में है ये, पीछे की जितनी भी पीक्स हैं। इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है, रजौरी का बॉर्डर है ये, और वहां पे भी हमारी एसओजी की टीम साथ में सीएपीएफ और हमारी जेएनके पुलिस, हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कॉम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। कोई है कि कितने आतंकी थे? जो आई विटनेसेस का कहना है, उन्होंने 2 से 2 का नंबर अभी सामने आ रहा है।